हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। मैं हूं पम्मी। आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर अंगारा, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और फटाफट बन जाता है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए पनीर अंगारा बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पैन लेंगे, गैस जलाएंगे, गैस को मीडियम लो के बीच में करेंगे। उसमें एक टेबलस्पून ऑयल डालेंगे, ऑयल को थोड़ा गरम होने देंगे। ऑयल गरम हो चुका है, इसमें हम ये डालेंगे 3 लौंग, 7-8 काली मिर्च साबुत, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी, 4 छोटी इलायची और 1 सूखी लाल मिर्च, और साथ में इसके ये लहसुन की 4-5 कलियां हैं और 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, ये भी डाल देंगे। 7-8 काजू डालेंगे, साथ साथ इनको मिक्स करते जाएंगे। गैस को लो कर देंगे और ये सब सूखे मसालों को 1 मिनट तक भूनेंगे। 1 मिनट हो चुका है, अब इसमें ये 2 बारीक कटे हुए प्याज भी डाल देंगे और ये 7-8 टमाटर, ये भी पतले साइज में काटे हैं, ये भी डाल देंगे, और 1/4 टीस्पून नमक डालेंगे साथ में। अब इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे, गैस को लो मीडियम के बीच में कर देंगे और इन्हें तब तक पकाना है जब तक टमाटर और प्याज अच्छे से गल नहीं जाते। अब इसे ढक के रखेंगे और बीच बीच में चेक करते रहेंगे और इन्हें तब तक पकाना है जब तक ये टमाटर और प्याज अच्छे से नरम नहीं हो जाते। 6-7 मिनट हो चुके हैं, चेक करते हैं कि टमाटर और प्याज गले हैं कि नहीं। बीच बीच में हमने इन्हें स्टर किया था, ये देखिए टमाटर और प्याज बिल्कुल गल चुके हैं। अब गैस करेंगे बंद और इसे ठंडा होने के लिए रखेंगे। टमाटर प्याज सब मसाले अच्छे से ठंडे हो चुके हैं, अब इन्हें मिक्सर जार में डाल के ग्राइंड कर लेंगे और इनकी फाइन प्यूरी बना लेंगे। इसमें 1/3 कप पानी ऐड करेंगे ताकि हमारी प्यूरी थोड़ी पतली बने, इसे बाद में हमने इसे छानना है, छानने में आसानी होगी। ये देखिए फाइन प्यूरी तैयार हो गई है, अब इसे हम छान लेंगे। प्यूरी को हमने छान लिया है, ये देखिए कितनी स्मूथ प्यूरी बनी है। तो अभी इसकी ग्रेवी बनाना शुरू करते हैं। एक पैन लेंगे, गैस जलाएंगे, गैस को लो मीडियम के बीच में करेंगे, 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और ऑयल को गरम होने देंगे। ऑयल गरम हो चुका है, इसमें 1/2 टीस्पून जीरा डालेंगे और 2 तेज पत्ते डालेंगे, जीरे को थोड़ा चटकने देंगे। गैस को हमने लो मीडियम पे रखा है। एक टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे, इसको भी थोड़ा सा भून लेंगे, थोड़ा ब्राउन हो जाएगा, इसको तब तक भूनेंगे। लहसुन अदरक भुना जा चुका है, अब गैस बिल्कुल सिम पे कर देंगे। इसमें सूखे मसाले डालेंगे, लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, ये मैंने देगी मिर्च का इस्तेमाल किया है, इसका कलर बहुत अच्छा आता है। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, भुना हुआ जीरा 1 टीस्पून, नमक स्वाद अनुसार या 1 टीस्पून, मैं 1 से थोड़ा कम डालूंगी क्योंकि 1/4 हम डाल चुके हैं प्यूरी में, पहले इतना डालूंगी, अगर ज़रूरत होगी तो और डालूंगी। अब ये मसालों को भून लेंगे थोड़ा सा 15-20 सेकंड के लिए, गैस को बिल्कुल सिम पे करना है ताकि मसाले जल नहीं जाएं। अब इसमें ये टोमेटो प्यूरी डाल देंगे सारी, अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे 8-10 मिनट तक पकाएंगे।
बीच बीच में कड़छी चलाते रहेंगे और इसे तब तक पकाना है जब तक तेल ना छोड़ दे। जब तक हमारी ग्रेवी तैयार हो रही है तब तक हम कोयले को सुलगने के लिए रख देते हैं। गैस चलाएंगे, कोयले के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, गैस को हाई पे कर देंगे। ग्रेवी ने किनारा छोड़ना शुरू कर दिया, देखिए ऑयल भी निकलना शुरू हो गया। अब इसमें एक स्क्वायर में कटा हुआ प्याज और शिमला मिर्च डालेंगे, एक शिमला मिर्च और एक प्याज। प्याज को ऐसे करना है, अलग अलग इसकी फाड़ियां निकालनी है, फांके इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। अब साथ में ही पनीर भी डाल देंगे, ये हमने 200 ग्राम पनीर लिया है, इसको अच्छे से वॉश कर लिया और इसके स्क्वायर पीसेस काट दिए, ये भी डाल देंगे, मिक्स करेंगे अच्छे से। गैस को लो मीडियम के बीच में ही रखना है। अभी इसे भी पकाएंगे तकरीबन 2-3 मिनट के लिए। अब इसमें 3-4 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम डालेंगे, अगर आपके पास फ्रेश क्रीम नहीं है तो बाजार से भी क्रीम ले सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे इसे और 2-3 मिनट तक इसे भी पकाएंगे। अब इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून और 1 टीस्पून कसूरी मेथी, इसे क्रश कर लेंगे हाथों से, ये भी ऐड कर देंगे, मिक्स करेंगे अच्छे से। पनीर हमारा रेडी है, अब गैस करेंगे बंद और इसको बीच में से खाली करके एक कटोरी रखेंगे बीच में और जो ये कोयला हमने जलाया था इसको इसके बीच में रख देंगे कटोरी में। अब कोयले के ऊपर थोड़ा सा देसी घी डालेंगे, ऊपर से ढक्कन लगा देंगे और इसे 10 मिनट तक रखेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, हमारा पनीर अंगारा तैयार है, अब इसे सर्व करेंगे। पहले ये कटोरी बीच में से निकाल लेंगे। मिक्स करके इसे बोल में डाल लेंगे। ये रही हमारी आज की रेसिपी, अंगारा पनीर। ये देखिए कितना अच्छा बना है, इसका कलर भी कितना अच्छा है। आप इसे रोटी के साथ भी खा सकते हैं, नान के साथ भी खा सकते हैं, परांठा या चावल के साथ भी खा सकते हैं। इसे आप जरूर ट्राई कीजिए और हमें अपना फीडबैक दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।